हेलो, आई एम राकेश एंड यू आर वाचिंग द चैनल चलो सीखते हैं इंग्लिश। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू नो मोर अबाउट प्राइमरी वर्ब्स, सो लेट्स बिगिन। वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स। हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राइमरी वर्ब्स और दूसरा मॉडल्स। प्राइमरी वर्ब्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। प्राइमरी वर्ब के तीन प्रकार होते हैं, पहला टू बी, दूसरा टू डू और तीसरा टू हैव। टू बी इस ग्रुप में एट वर्ब होते हैं, फाइव का प्रयोग एक्टिव वॉइस और थ्री वर्ब्स का प्रयोग पैसिव वॉइस बनाने के काम में आता है। पैसिव वॉइस में प्रयोग होगा बी, बीन और बीइंग। टू बी में इज, एम और वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग। टू डू में तीन वर्ब आते हैं, डू, डज और डिड। टू हैव में भी तीन वर्ब रहते हैं, हैज, हैव और हैड। याद रखेंगे कि प्राइमरी वर्ब्स जिनकी संख्या 11 है, हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स दोनों के जैसा प्रयोग किए जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्राइमरी वर्ब्स के हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग को समझेंगे। प्राइमरी वर्ब्स एज हेल्पिंग वर्ब्स, प्राइमरी वर्ब्स जिसकी संख्या 11 है। पहला जो वर्ब है वो आपका बी। इस ग्रुप में एट वर्ब है, इच, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग। बी, बीन और बीइंग इसके पैसिव फॉर्म है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी ग्रुप में जितने वर्ब हैं उनका प्रयोग होगा टू, मेक, कंटिन्यूअस। एंड पैसिव वॉइस बी ग्रुप में जो भी वर्ब है उनका प्रयोग कंटिन्यूअस और पैसिव वॉइस बनाने के प्रयोग में आता है। एग्जांपल, ही इज वर्किंग इन द फील्ड, ही इज वर्किंग इन द फील्ड, इन द फील्ड। एग्जांपल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सेकंड एग्जांपल है फूड इज बीइंग सर्व्ड बाय द वेटर। ये पैसिव वॉइस का एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल है पैरोट्स, पैरोट्स वेयर फ्लाइंग इन द स्काई। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। दूसरा जो वर्ब का ग्रुप है वो है आपका हैव। दूसरा ग्रुप है हैव, इसमें तीन वर्ब आते हैं, हैज, हैड और हैव। इनका प्रयोग परफेक्ट टेंस बनाने के काम में आता है, टू मेक परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। अर्थात हैव ग्रुप में जो भी वर्ब हैं हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में परफेक्ट टेंस बनाने के काम में आता है। एग्जांपल, द गार्डनर हैज कलेक्टेड ऑल द फ्लावर्स। द गार्डनर हैज कलेक्टेड ऑल द
फ्लावर्स, ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेकंड एग्जांपल, द वॉशरमैन, had washed clothes. ये past perfect tense का example. तीसरा जो primary verbs में जो group है वो आपका है do का, इसमें तीन भर्ब आते हैं डू, डज, डिड, इनका प्रयोग टू मेक इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव ऑफ सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट। डू ग्रुप में जो वर्ब है डू, डज और डिड, इनका प्रयोग इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने में काम आता है सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट का। फॉर एग्जांपल, डू और डज का प्रयोग होगा सिंपल प्रेजेंट में और डिड का प्रयोग होता है सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में प्रयोग होगा। एग्जांपल, डू यू लाइक कॉफी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा आई डोंट लाइक कॉफी, ये नेगेटिव सेंटेंस, सी आई लाइक जूस। ये पॉजिटिव सेंटेंस। इस तरह से देखेंगे कि डू यू लाइक कॉफी, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, आई डोंट लाइक कॉफी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस है। तीसरा है आई लाइक जूस, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। इस तरह से पॉजिटिव सेंटेंस में डू, डज या डिड का प्रयोग नहीं होता है। डिड का प्रयोग देखेंगे, द वुड कटर चॉप्ड द वुड, पॉजिटिव सेंटेंस है द वुड कटर चॉप्ड द वुड, इसमें डिड का प्रयोग नहीं होगा। डिड का प्रयोग होगा पास्ट सिंपल पास्ट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में। एग्जांपल देखेंगे, डिड द वुड कटर चॉप द वुड, इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग होगा, नेगेटिव में भी होगा। द वुड कटर did not chop the wood, negative sentence. इस तरह से do और does का simple present और simple past sentence के negative या
इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में प्रयोग किया जाता है। जब भी सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है तो डू, डज और डिड का प्रयोग होगा। थैंक्स।